बड़वानी जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत चुनाव के निर्वाचन हो रहे हैं। हम बड़वानी जिला मुख्यालय पर खड़े हैं, जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हम बात करें तो अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर यहाँ घमागमी का माहौल है। एक तरफ से पूर्व पशुपालन मंत्री की बहू कविता आर्य ने दावेदारी की है, वहीं वर्तमान में प्रेम सिंह पटेल जो कि पशुपालन मंत्री हैं, उनके पुत्र बलवंत सिंह पटेल ने दावेदारी की है। आज हम हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से जानते हैं जिला पंचायत की वास्तु स्थिति क्या है। पंकज जी, क्या माहौल है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा एक संगठन के रूप में काम करता है और संगठन ही इस बात का फैसला करता है कि किसे पद पर बिठाया जाएगा, और जिला पंचायत अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है जिस पर कि एक गंभीर व्यक्ति का वहां पर चयन होना आवश्यक है। ऐसे में संगठन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक भूमिका सामने आती है कि प्रेम सिंह पटेल बड़वानी के कद्दावर नेता हैं, वर्तमान में पशुपालन मंत्री भी हैं, साथ ही सामने से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य हैं उनकी पुत्रवधू भी मैदान में है। अभी हालांकि कुछ ही देर में ये बात स्पष्ट होगी, चूँकि 12 बजे तक नाम वापसी का बताया जा रहा है। ऐसे में अगर नाम वापसी होती है, चूँकि भाजपा की तरफ से ही दो उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, और उसमें बलवंत पटेल और अंतर सिंह आर्य की पुत्रवधू जो है कविता आर्य मैदान में है, अगर दोनों में से एक नाम भी वापसी होता है तो कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होने के कारण जो है ये निर्विरोध चुनाव संपन्न होगा। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष नाम वापसी नहीं करते हैं तो ऐसे में चुनाव के बाद ही परिणाम सामने होंगे। हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहूँगा? देखिए, सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि कविता विकास आर्य को जो है घोषित कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन चूंकि अभी पार्टी की तरफ से कोई विधिवत इसकी सूचना या फिर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, इसलिए अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किसके हाथ लगती है। यह सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद ही मतदान होना तय है, चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जिला पंचायत की कुर्सी किसकी होगी। वहीं हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने एक वीडियो वायरल करते हुए कविता आर्य की दावेदारी भाजपा की ओर से तय की है। वहीं हम वीरेन वासिंदे से बात करते हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है। वीरेन जी, क्या है सचिन? देखो, जो अभी यहाँ के जो वास्तु स्थिति, जो अभी फिलहाल की जो जिला पंचायत बड़वानी की स्थिति है, यहाँ देखा जाए तो 12 बजने को अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जबकि एक बात साफ है कि बीजेपी के जहाँ 10 जिला पंचायत सदस्य, वहीं कांग्रेस को 2 मिले और 2 जय उसको मिले। ऐसे में अभी तक निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाना थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें जिलाध्यक्ष ओम सोनी बताते नजर आ रहे हैं कि पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया अर्चना आर्य को, कविता आर्य को किया, लेकिन उसके बाद में अभी तक जो हालात बने, जिस प्रकार से जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर में कौन जिला पंचायत की सीट पर बैठेगा। तो अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कांग्रेस जहाँ सिमटी हुई है, जयस की सिर्फ 2 सीट है, बीजेपी पूर्ण बहुमत में, उसके बाद ये स्थिति है, इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सचिन, हम बात करें वीरेन, दो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, पूर्व पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य और वर्तमान पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, दोनों गद्दावर नेता है, दोनों भाजपा से है, अब 10 सदस्य है भाजपा के, उसके बाद भी दोनों गद्दावर नेताओं के बीच गुटबाजी खुलकर देखने को मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ के जो हालात, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, गुटबाजी एक बार फिर से सामने होकर नजर आ रही है, क्योंकि जो अंतर सिंह आर्य हैं वो भी कद्दावर नेता हैं, पूर्व में पशुपालन मंत्री रहे हैं। प्रेम सिंह पटेल जी की बात करें तो प्रेम सिंह पटेल भी कद्दावर नेता हैं, पिछली 5-6 बार से लगातार विधानसभा में बैठे हैं और वर्तमान में पशुपालन मंत्री के पद पर अपनी सेवा निर्वाह कर रहे हैं, बुरहानपुर प्रभारी रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बीजेपी को लीड दिलाई है, बीजेपी को सीट दिलाई है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी 7वां जनपद बीजेपी के पाले में ही है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हालात बने इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही हो। सचिन, हम बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर जिला पंचायत चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम सिंह पटेल ने मजबूत दावेदारी पेश की थी और हर वर्ग से अपने कार्यकर्ताओं को जिताया था, अपने प्रत्याशियों को जिताया था। आज जिला पंचायत को लेकर भी घमासान चल रहा है, बहुमत के लिए 8 सीटें चाहिए है, अब देखते हैं किसके पाले में सीट जाती है, कौन होगा आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष, बलवंत सिंह पटेल होंगे या कविता आर्य। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी कविता आर्य को घोषित किया है। बड़वानी से लोकतंत्र के लिए सचिन राठौड़।